जिंदाबाद जिंदाबाद प्रगत सिलवानो समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम चंद बिंद संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेम चंद बिंद संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। आप समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम चंद बिंद तेरी नेक कमाई तूने शोषित कौम जगाई प्रेम चंद बिंद तेरी नेक कमाई तूने शोषित कौम जगाई प्रगत जनदिन जैसा हो देश का नेता कैसा हो प्रेम जनदिन जैसा हो प्रगत सील मानो समाज करेगा मानो हित का कार्य करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद प्रगत सील मानो समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद देश को शोषित करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार देश को शोषित करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार प्रगत सील मानो समाज पार्टी जिंदाबाद। आज आप आए हैं यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने, किन किन मांगों को लेके आए हैं, क्या है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लगातार 15 वर्षों से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की मांग लगातार करती जा रही है। उसी के क्रम में आज भी हम यहाँ, मुख्य मुद्दा हमारा वही है, 17 अति पिछड़ी जातियों जात में शामिल करके विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ना। अन्य मांगों में व्यापारी ऋण, अभी सरकार ने घोषित किया है कि 10 करोड़ तक का व्यापारियों का ऋण माफ, ब्याज माफ किया जाएगा। मेरा कहना है कि जो शिक्षा ऋण है, एजुकेशन लोन है, और ऐसे छात्र जो अभी भी बेरोजगार हैं एजुकेशन के बाद, उनका भी ब्याज मुक्त ऋण जो है लिया जाए। आगे छुट्टा पशुता का शिकार हो रहे हैं, मार के हाथ पर मजबूरी में लोगों के द्वारा तोड़ दिए जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो रोड पर लवे, रोड सड़कों पर मर करके दुर्गंध फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। सरकार प्रदूषण विहीन देश का ढिढोरा पीट रही है। उच्च शिक्षा में डोनेशन को एकदम समाप्त कर दिया जाए, मात कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि एकरूपता आ सकती है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम यहाँ जो है उपस्थित है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और अनुसूचित जाति का कोटा 22% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। और लोकतंत्र में, मैं इसी के साथ साथ अपनी बात और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का लगातार काम कर रही है। यदि कोई चाहे कि जो है जनता की आवाज़, समाज की आवाज़, बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना चाहता है, तो सरकार के इशारे पर प्रशासन जो है जनता के मुंह को बंद करने का काम करती है। इसी क्रम में 14 तारीख को योगी मुख्यमंत्री के आने के समय में हमारे एक पदाधिकारी अनुज कुमार सिंह बिरोही निवासी हैं, प्रशासन ने उनको उनके घर से उठा लिया। प्रशासन ने कहा कि मैं सपना देखा रात में कि यह जो है योगी आदित्यनाथ के हिरण उड़न खटोले को जो है नहीं उतरने देंगे। इस आशंका पर उन्होंने जो उनके घर से फोर्स के साथ उठा लिया और 4 बजे शाम तक अपने जो है कस्टडी में रखे रहा। तो यह क्या है, एक तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, जनता को कुचलने का काम किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के विरोध में हम यहाँ जो है अपना ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित। आप अपना परिचय बताएं। कमला शंकर बिंद, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जनपद मिर्जापुर।